और उन्होंने अपने पार्टी के लिए कार्यक्रम क्या दिया आप पूछ रहे हैं कि हम लोग को नहीं पूछा गया। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आज सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का काम कर रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर महागठबंधन ने एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराजगी है। इसको लेकर के कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। नहीं बुलाया गया, सूचना नहीं था, बुलाया गया नहीं बुलाया, सब तो उलट है, लेकिन सूचना नहीं था। और ऐसे भी हर पार्टी अपना अपना काम करती है, तो वो अपना काम किए, हम लोग भी, कांग्रेस वाले भी महंगाई और बेरोजगारी पर, हम लोग तो सब ब्लॉक में धरना शुरू कर दिए हर जिला में, इसलिए हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आप हमेशा मीडिया वाले ये पूछते हैं कि वो बुला रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस पूरे देश में लड़ना है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग त्राहिमाम में हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार क्या कर रही है कि साहब आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का काम कर रही है। कोई रोजगार देने का बात नहीं, कोई महंगाई रोकने की बात नहीं। जो कांग्रेस ने पीएसयूज बनाए थे, आप जिसमें भारतवर्ष आज़ाद हुआ, एक भी पिन की फैक्ट्री भारत में थी, देश में क्या नहीं था? तो सब फैक्ट्री लगाना, शिक्षण व्यवस्था कुछ नहीं था, तो IIT IIM खोलना, स्वास्थ्य की सेवाएँ कुछ नहीं था, एम्स वगैरह वो करना, आज क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आज सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपने पार्टी के लिए कार्यक्रम क्या दिया आप पूछ रहे हैं कि हम लोग को नहीं पूछा गया। एक सवाल है, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि महागठबंधन प्रतिनिधि वहां पर नाम दिया गया था, महागठबंधन में आप लोग भी हैं, तो आप लोग का वहां नहीं होना सवाल बड़ा हो जाता है। MLC चुनाव है सामने, महागठबंधन का चुनाव निश्चित तौर पर पिछला विधानसभा जो हुआ था, बिल्कुल हम लोगों ने एक महागठबंधन बना के सभी जो सेकुलर पार्टियां थे, हम लोग सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़े थे। ऐसे तो माननीय नीतीश कुमार जी भी सेकुलर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन आपको बताएं कि हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, फिर MLC का चुनाव हुआ, तो हम लोग अलग अलग लड़े। और इस बार भी आप देखे होंगे कि उनको 76 सीट है, और अगर वो महागठबंधन धर्म का पालन करते तो वो 76 में आप 3 जीत नहीं सकते हैं, आपको 31-62, उसके बाद आपको 14 ही वोट बचता है। तो आप गठबंधन से बात कहाँ की, आप तीनों सीट अपने अनाउंस कर दिए, इसलिए वो तो महागठबंधन का धर्म निभा नहीं रहे हैं। तो वो तो आप राजद पार्टी से पूछिए ना, हम लोग तो बिल्कुल हैं कि देश के हित में हम लोग जितने सेकुलर पार्टियाँ जो भी देश को बचाना चाहते हैं, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चन सबका समान अधिकार है, सबको लेके चलना है, और जो महंगाई को रोकना है तो सबको जो देश में है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको एक साथ आके, 19 विधायक समर्थन नहीं करेगी MLC चुनाव में तय माना जाए? नहीं, हम लोग आला कमान के नहीं, समर्थन का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि हम 19 हैं, आप 76 थे, हम दूसरी पार्टी, हमें तो हम लोग से बात करनी चाहिए थी। अभी माले और सुनते हैं, वो लोग बात कर रहे थे हमसे, लेकिन अभी सुनते हैं वो समर्थन देंगे, जैसा कि सुने हैं। अब क्यों माने हैं, किस माने हैं, वो तो उनसे पूछिए। लेकिन देखिए, जनता जिसे प्रतिनिधि चुन के भेजी है, तो उस पार्टी के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ती है, नहीं तो फिर क्यों वोट देगी जनता आपको, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने सिद्धांत, अपने विचारधारा पर चलेगी, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। विपक्षी एका तो नहीं दिख रहा है, बिहार में ही विपक्षी एका नहीं दिख रहा, तो फिर कैसे उखाड़ फेंकेंगे? सर ऐसा है कि पूरे देश की बात कीजिए, सिर्फ आप बिहार का, एक ही राज्य है पूरे देश में क्या? और रहा कि जनता इसका फैसला करती है कि लोग आप और हम करेंगे, जनता फैसला करेगी, कांग्रेस अपना काम करेगी, जनाधार मजबूत करेगी, और निश्चित तौर पर अगर जिसको सेकुलर पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आना है, वो कांग्रेस साथ आना पड़ेगा, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। यानी महागठबंधन को लीड आप करना चाहते हैं बिहार में? नहीं, लीड करने की यहाँ बात ही नहीं है, सब लोग मिलजुल, घर में अगर मियाँ बीवी बच्चे होते तो लीड कोई थोड़ी करता है, सब लोग मिलजुल के परिवार चलाता है, इसलिए मिलजुल के चलेगा वो आला कमान, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी तय करेंगे, इसका फैसला वो करेंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। आपने स्पष्ट रूप से सुना, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो है आरोप पत्र राजद ने जारी किया है, उसमें हम लोगों को पूछा नहीं गया, हम लोगों को आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस जो है सब देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आने वाले समय में जो है पूरे देश में NDA की जो टक्कर देगी तो कांग्रेस ही देगी। धीरेंद्र कुमार, DTV भारत, पटना।